मैंने लगा रखा है एक्रोपॉविक का एग्जॉस्ट लगा रखा है और इसकी साउंड सुना देता हूँ मैं आपको कि कैसे साउंड आती है। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना इंजन पे आपका इफेक्ट पड़ जाता है। जब भी एग्जॉस्ट लगाते हो तो इंजन ऑयल चेक कर लेना बार बार, और एग्जॉस्ट लगाने के बाद माइलेज पे आप पे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये है डीबी किलर इसका, और इसको डीबी किलर लगा देता हूँ उसके बाद साउंड सुनाता हूँ इसकी। यहाँ से देखो हवा निकल रही है, ये देखो यहाँ से तो मैं रैप कर रहा हूँ ना तो यहाँ से हल्की सी हवा निकल रही है, बताए। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। सो गाइस बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि यार चंडीगढ़ में हो रही दिन चार दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सो आज मौसम काफी अच्छा हो रहा था, फिर भी नहीं है क्योंकि शाम के टाइम पे मौसम देख सकते हो यहाँ पे, देख रहे हो अभी तो देखो ऐसे हो रखा है, बट चांसेस है कि बारिश होने का, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी लोकेशन पे आ गया और मैंने सोचा कि यार ब्लॉग बनाना क्यों, बाइक इतनी ज़्यादा गंदी हो गई ना मेरी। बट मैंने आज सबसे पहले इसको बाइक वॉश कराई है, उसके बाद मैं अपनी लोकेशन पे लेके आया और अभी भी देखो कितनी ज़्यादा गंदी, ज़्यादा गंदी हो रखी है, देख रहे हो ये देखो भाई। अब यार क्या करें यार, बाइक ले ली तो भाई मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है बाइक की। और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगाया था, देता हूँ कि एग्जॉस्ट का जो मेरा खर्चा आया वो कितने का आया और क्या उसका फ़ायदा रहता है क्या नुकसान रहता, तो मैं ऐसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको ये भी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताऊँगा कि बाइक में इफेक्ट पड़ जाता है, तो वही सारा कुछ आज मैं अपने ब्लॉग में बताऊँगा। बट आपने क्या करना है, सबसे पहले को इसकी बिल्कुल भी मत करना और एंड तक देखना ब्लॉग को। तो चलो यार बता देते हैं अपनी बाइक के बारे में कि एग्जॉस्ट जो मैंने एग्जॉस्ट लगाया भाई, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए। कल क्या सीन हो गया था, कल एक पुलिस वाला ना भयंकर के रोक दिया था, बट मैंने वहां से भगा दिया दूसरी जगह। तो ये चक्कर होता है कि भाई बाइक एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना आपको डर डर के चलाना पड़ता है। जब बाइक में एग्जॉस्ट नहीं लगाया रहेगा तो भाई जो कंपनी का एग्जॉस्ट रहता है तो भाई उससे कोई दिक्कत नहीं होती पुलिस वाले के सामने से, बट जब एग्जॉस्ट लगा देते ना उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस वाले का फेस करना पड़ता है भाई, क्योंकि पुलिस वाले भाई जब भारी वाला चलान काटेंगे। बाकी मैं इसके साउंड भी सुनाऊंगा आपको कि कैसी साउंड आती है। यहाँ पे लगी अपनी बीस्ट, पहले ये बात आ जाती है कि मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है वो कौन सा एग्जॉस्ट लगा रखा है। सो गाइज मैंने लगा रखा है एक्रोपॉविक का एग्जॉस्ट लगा रखा है और फुल सिस्टम ने लगा रखा है, क्योंकि देखो फुल सिस्टम में ना ये होता है आपको कि बाइक में ना बहुत ज़्यादा इंजन पे इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए मैंने फुल सिस्टम ने लगा रखा है। और यहाँ लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि मैं चंडीगढ़ गया था सेक्टर 21, वहाँ पर मैं सबसे पहले चेंज करवाने वाला था अपनी टेल्टीडी चेंज करवाने वाला था, बट मेरा मैंने क्या लगा दिया अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगा दिया भाई, ये मूड हो जाता है मेरा भाई बाइक में। जब भी मैं कहीं भी मार्केट में चला जाता हूँ ना तो बाइक में कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर देता हूँ। तो एंड पाइप में जो मेरा खर्चा आया वो आपको लास्ट में बताऊंगा, बट जो से जॉइंट करके डायरेक्ट मैंने यहाँ देखो ये जॉइंट हो रखा है, तो ये उसका फ़ायदा रहता है या नुकसान रहता है। गाइस नुकसान तो होता है बट इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जब आप फुल सिस्टम लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फुल सिस्टम लगाने से, क्योंकि देखो अभी तो कंपनी का जो एग्जॉस्ट है यहाँ से बैंड पाइप जो देख रहे हो आप यहाँ से जॉइंट जो हो रखी है यहाँ पर, और जो मफलर है ना मफलर हटा के मतलब जो कैथलिक कन्वर्टर रहता है ना वो मैंने हटा दिया और वहाँ से जो मफलर है ना वहाँ पर इसे जॉइंट करके अब मैं ये बैंड पाइप ले रखा है। ये बैंड पाइप मेरा 1200 का खर्चा आया और जो मैंने एग्जॉस्ट लिया है एक्रोपॉविक का वो 2200 रुपये का है, 2300 रुपये का है, तो जो टोटल मेरा जो खर्चा आया 4400 रुपये का आया। और बट गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना इंजन पे आपका इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि चीज़ का ध्यान रखना जब भी एग्जॉस्ट लगाते हो तो इंजन ऑयल चेक कर लेना बार बार। ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को भी सजेशन दिया किसी ने कि इंजन ऑयल चेक करते रहना और टाइम टू टाइम सर्विस कराते जाना, और बाकी इंजन पे तो दिक्कत तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की आएगी। कुछ टाइम के लिए लगा रखा मैंने एग्जॉस्ट, उसके बाद मैं कंपनी का एग्जॉस्ट लगा दूंगा और कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देखो हवा निकल रही है, ये देखो यहाँ से जो यहाँ से जॉइंट कर रखा है बैंड पाइप यहाँ पर लगाया था, और उसके बाद यहाँ से ना जैसे देखो मैं रैप कर रहा हूँ ना तो यहाँ से हल्की सी हवा निकल रही है, बताएं कि देखो तसल्ली के लिए होता है कि भाई एग्जॉस्ट लगाने के बाद कि आपका सुकून मिलता है, एक आवाज़ जो होती है ना, और जो इसकी साउंड है ना एक बार इसकी साउंड सुना देता हूँ मैं आपको कि कैसी साउंड आती है। ये देखो एक बार सो गाइस साउंड सुनो इसकी और कैसी आती है। ये देखो भाई काफ़ी खतरनाक साउंड आ रही है भाई, काफ़ी खतरनाक भाई भाई मैंने सोचा नहीं था इतनी भयंकर आवाज़ आएगी इसमें से। ये देखो अब यहाँ ये देखो भाई गाइस ये चेक करो भाई साउंड सुनो एग्जॉस्ट की, और अभी देखो यहाँ से ना हवा निकल रही है हल्की सी, अभी तो नहीं निकल रही है बट जब पूरा रैप कर रहा हूँ ना तो हाँ निकल रही है हल्की सी निकल रही है, हल्का सा मैं रैप कर देता हूँ और ये देखो भाई
ऐसा है भाई, इसकी साउंड सुना आपने? काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक साउंड है। और अभी डीवी किलर निकाल के मैंने आवाज आपको सुना दिए। ये है डीवी किलर इसका, और अभी तक मैंने लगाया नहीं बिल्कुल भी। जब जब मैंने बाइक में एग्जॉस्ट लगाया था तभी लगाया था मैंने डीवी किलर, बट अभी ये देखो इस तरीके का आता डीवी किलर। तो अभी उसके साउंड तो सुन लिया आपने डीवी किलर हटाने के बाद, अभी इसको डीवी किलर लगा देता हूँ, उसके बाद साउंड सुनाता हूँ इसकी। ये लग चुका है डीवी किलर, और ये देखो भाई ऐसा ऐसा इस तरीके का आता डीवी किलर, और लगा दिया। तो अभी इसके साउंड सुना देता हूँ डीवी किलर लगाने के बाद कैसी आती है, तो एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसी आवाज आएगी, देख रहे हो कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया ना। अब उस टाइम पे आपने उसकी आवाज़ सुनी होगी जब मैंने डीवी किलर हटाया था, तो एक बार रैप करके दिखा देता हूँ। ये है विथ डीवी किलर के साथ आवाज़ इस तरीके की आती है। तो अब अगर आप पुलिस वाले से बचना चाहते हो तो भाई डीवी किलर लगा के चलना रोड पे। और अभी तो मैंने हटा रखा क्योंकि पंचकुला में रहता, तो पंचकुला में इतना दिक्कत नहीं होती जितना चंडीगढ़ में होती है। तो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है आपको एग्जॉस्ट लगाने का, और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी बाइक। ओरिजिनल साउंड कैसे आती है एग्जॉस्ट के साथ, मतलब कंपनी का जो एग्जॉस्ट रहता है उसके साउंड तो सुनी ही होगी आपने, बट जब आप अलग से बाइक पे एग्जॉस्ट लगाते हैं ना तो उसकी साउंड की अलग ही बात होती है। मुड़ मुड़ के रिएक्शन मिलते हैं लोगों के। जब से मैंने बाइक ली ना तब से भाई अगल बगल वाले तो भाई परेशान हो गए, कह रहे हैं कि भाई किसकी बाइक है इतनी ज़्यादा साउंड करती है। तो भाई मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी कंप्लेन करे पुलिस वालों के पास, तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा अपनी बाइक में एग्जॉस्ट, निकाल दूंगा तसल्ली के लिए मैंने लगा दिया है। बाकी यार आप परमानेंट मत लगाना और चेंज करते रहना, क्योंकि कंपनी का एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान कुछ नहीं होता है, बट एग्जॉस्ट बाहर का लगाते हैं तो भाई अच्छा नुकसान तो होएगा। ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है बट डुप्लीकेट है ये, और एक्रापॉपिक का एग्जॉस्ट लगा रखा था पहले मैं, एसी का लगाने वाला था। कितना ज़्यादा लाउड रहता है भाई एसी, जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना तब से देखो अलग ही आवाज़ आ रही है। यहाँ से देखो आवाज आ रही है गाइस, देख रहे हो यहाँ से काफी ज्यादा आवाज आ रही होगी, टक्कर की आवाज आ रही है, वो पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। तो पहले तो नहीं आ रही थी बट जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया ना तब से ऐसी आवाज आ रही है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है वो मुझे पता नहीं चलेगा, वो तो सर्विस सेंटर जाके पता चलेगा जब सेकंड सर्विस आएगी उस टाइम पे चेक करवाऊंगा। और बाकी जो बैन पाइप टोटल मेरा जो एग्जॉस्ट का खर्चा आया 4400 रुपये का आया, अगर मैं फुल सिस्टम लगाता तो मेरा 5-5.5 हज़ार तक का खर्चा आ जाता, क्योंकि वो फुल बैन पाइप रहेगा ना तो बैन पाइप का अलग से वो खर्चा आएगा। तो बाकी यही था कि एग्जॉस्ट से मतलब कि क्या फ़ायदा रहेगा नुकसान, अभी तक मैंने लगा रखा एक हफ्ते में तो कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई डिसएडवांटेज नहीं मिला। बट हाँ एक चीज़ का है कि पावर तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, मतलब कि इम्प्रूवमेंट होगी यार पावर, मतलब कि जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाना पावर थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा भाई कि ठीक है भाई पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। डिसएडवांटेज है कि माइलेज आपकी कम हो जाएगी, माइलेज अभी जो मेरे को दे रही है अभी इसका देखो यार मीटर का मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है, तो मेरे को एवरेज दे रही 25 की एवरेज दे रही है। तो भाई ये चीज़ है कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद माइलेज पे आप पे क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, माइलेज अभी 25 की दे रही है मेरे को अभी एवरेज, और माइलेज कम हो गई है, तो ये डिसएडवांटेज है। यही था कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद फ़ायदा है नुकसान तो मैंने बता दिया, डिसएडवांटेज एडवांटेज। और बाकी यार गाइस आज की वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइड।